तुम्हारे लीडर से कहूंगा कि अब की बार वायनाड नहीं हैदराबाद से मुकाबला करो मेरा। मैं चैलेंज कर रहा हूं, वायनाड क्यों यहाँ, हैदराबाद को आओ। ओवैसी साहब ने नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करना चाहिए कि आप हैदराबाद में आकर चुनाव लड़ें। ओवैसी ने आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हैदराबाद से चुनाव लड़ने की चुनौती दी तो शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि अगर उन्हें चुनौती देना ही था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देनी चाहिए थी। राहुल गांधी तो देश के सर्वमान्य नेता हो गए हैं। उन्होंने कहा ओवैसी साहब को राहुल गांधी को नहीं मोदी जी को चैलेंज करना चाहिए कि वे हैदराबाद में आकर चुनाव लड़े। अब राहुल गांधी का कद इतना बढ़ गया है कि वे देश में कहीं भी चुनाव लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। ओवैसी जी को समझना चाहिए कि देश में क्या चल रहा है, उनको मोदी जी को चैलेंज देना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी का जो रवैया है वो सही नहीं है। संविधान कानून नियम की धज्जियां उड़ाकर ये संसद चलाते हैं। इस देश के सच्चे देशभक्त नागरिक हैं। तो ओवैसी साहब ने राहुल गांधी को नहीं चैलेंज करना चाहिए। ओवैसी साहब ने नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करना चाहिए कि आप हैदराबाद में आकर चुनाव लड़िए। आइए ना हैदराबाद में, बोलिए मोदी जी को। राहुल गांधी भी देश के नेता है। देश में चाहे वाराणसी हो, वायनाड हो या महाराष्ट्र हो, अब राहुल गांधी का कद इतना बढ़ गया है या पॉपुलरिटी इतना बढ़ गई है, देश में कहीं भी राहुल गांधी अगर चुनाव लड़ते हैं तो जीत जाएंगे। लेकिन ओवैसी साहब को मेरा यह कहना है, अब इस प्रकार के चैलेंज बीजेपी की नेताओं को दीजिए। हैदराबाद से अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करिए, आप यहां आकर चुनाव लड़िए। राहुल जी वो आएंगे तो जरूर जीत जाएंगे। अभिषेक और चीज कहते हैं कि पार्लियामेंट जिस प्रकार से बयानबाजी उसको लेकर कह रहे कि आने वाले समय में शायद हो सकता है मुसलमानों के साथ मोबिलिटी हो पार्लियामेंट में, उनके साथ उनकी इस बयान को किस तरह देखा। देखिए भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। बीजेपी का जो रवैया है चुनाव जीतने के लिए वो ठीक नहीं है, किसी भी हद तक जा सकते हैं। संविधान कानून नियम की धज्जियां उड़ाकर ये पार्लियामेंट चलाते हैं, सदन चलाते हैं, चुनाव कर लड़ते हैं। तो ओवैसी साहब की बात में कितना दम है आने वाला समय बताएगा। लेकिन मॉब लिंचिंग की बात करें तो पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा है कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।